आज की न्यूज़ तो आप सबको पता चल चुकी होगी। मैं न्यूज़ बताने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन कुछ बातें थी उनकी जो शेयर करने लायक थी। बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को पता है, जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड ओल्ड एज लोग हैं उनको पता है, लेकिन थोड़ा यंग जनरेशन को उनके बारे में बहुत कम नॉलेज है एक्चुअली। अब उनकी पूरी लाइफ का स्ट्रगल तो हम बता नहीं सकते कि कब कब से कब तक क्या क्या, एक एक डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता सकते हैं। उनका जन्म 1955 में हुआ। उन्होंने RSS बहुत यंग एज में ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, अब इस शब्द का मतलब मुझे भी क्लियरली नहीं पता है, लेकिन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट किया था IIT बॉम्बे से 1978 में। इन्होंने बहुत ही अपना एक अहम रोल निभाया था राम जन्मभूमि मैटर में भी, जिस वजह से BJP का जो अस्तित्व है थोड़ा और पॉलिटिक्स में उभर के आ गया। पर्रिकर साहब ने कहा था कि उन्होंने डिसिप्लिन, प्रोग्रेसिवनेस, नेशनलिज्म और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी RSS से सीखी है, क्योंकि उन्होंने बहुत यंग एज में ज्वाइन कर लिया था तो वहाँ ये सब सिखाया जाता है। 1994 में उन्होंने फॉर्मली BJP ज्वाइन कर लिया और एक सीट भी जीत गए थे, वो गोवा में। 24 अक्टूबर 2000 में वो गोवा के CM बने पहली बार। और लेकिन उनका जो टेन्योर था बहुत लंबा नहीं चला, वो सिर्फ 2002 तक ही चला, लेकिन वो फिर री इलेक्टेड हुए CM जून 2002 में ही। लेकिन उनके कुछ मेंबर्स ने, MLAs ने रिज़ाइन कर दिया और फिर उनकी पार्टी एक माइनॉरिटी पार्टी बन के रह गई। उनकी वाइफ का देहांत भी 2001 में ही हो गया था। लेकिन बात देखने की यह है कि इनकी टफनेस का एग्ज़ाम्पल, इनकी कैपेबिलिटीज़ का यही एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि 2019 में वो बजट पेश करने अपने नाक में वो पाइप लगा के भी आए, जो बेड रेस्ट में लगाते हैं लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वो उस मेडिकल सपोर्ट के साथ आए और बजट पेश किया और फिर हॉस्पिटलाइज हो गए। ये बहुत बड़ी बात है एक किसी भी आम आदमी के लिए, लेकिन वो क्योंकि CM थे और क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति थी सब करने की अपने स्टेट के लिए, तो वो उस सारे स्टेप्स लेते थे जो ज़रूरी हैं बिना अपनी हेल्थ को ध्यान में दिए हुए कि वो किस कंडीशन में है, कैंसर का इलाज चल रहा है, लेकिन उनको अपना काम करना है क्योंकि वो CM है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर, ये कुछ ज़्यादा मेन बातें तो नहीं थी, लेकिन कब RSS से जुड़े, कब BJP में आए, कब CM बने पहली बार गोवा के, और फिर उनकी वाइफ का देहांत, फिर उनका जो फरवरी में 2018 में फरवरी में एडमिट हो गए थे और फिर बिल के लिए आए और फिर चले गए और फिर तब फिर कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं था। कुछ बातें ये भी कही जाती हैं कि उनका जो ग्राउंड टू अर्थ जो नेचर है वो यहाँ तक था कि स्कूटी लेके कभी भी गोवा की सड़कों पर निकल जाते थे। तो एक बार एक आदमी ने उनकी जब स्कूटी टक्कर मारी हल्के से, तो वो गुस्से में निकल के बाहर आया, लेकिन जब उनको देखा तो वो खुद देख के शॉक रह गया। तो CM ऐसे होने चाहिए, ना कि जो हमारे दिल्ली के CM हैं वो बातें जितनी ठोक देते हैं कि मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ, और आज लेके घूम रहे हैं वो CM की सारी फैसिलिटी। तो वैसे तो मिलती है सबको, लेके चलनी चाहिए, लेकिन फिर बातें नहीं करो ना। खैर, यहाँ पे हम लोग अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मनोहर पर्रिकर की बात कर रहे हैं। तो खैर, अब इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जहाँ भी रहें इनकी आत्मा को शांति मिले, और बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।